हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में बेसिल की तरफ से जो नर्सिंग स्टाफ का रिजल्ट आया था। अब उसमें 3,05,000 कैंडिडेट्स को ले लिया गया है, तो उनका अब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू किस टाइप का होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि जो बेसिल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो उसके अंदर जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ पैनल बने हुए होंगे। ऑलमोस्ट 10 या 10 से ज़्यादा पैनल हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हर पैनल में अलग अलग कैंडिडेट्स को सेपरेटली बुलाया जाएगा, उनका पर्सनली इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू से पहले एक बात ध्यान रखना कि आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके मार्कशीट है, 10th 12th बेसिक डिग्री की, डिप्लोमा की जो भी मार्कशीट है, उन सभी को चेक किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ों को आपको चेक किया जाएगा। अब उसके बाद रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपके जब सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद पैनल के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सेपरेट होगा, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट्स को सेपरेट बुलाया जाएगा। उनका जो पैनल मेंबर होंगे, जो उनके बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी होंगे, मेंबर्स होंगे पैनल में, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब इंटरव्यू देखते हैं इंटरव्यू किस टाइप का हो सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं, इंटरव्यू बहुत ईजी रहने वाला है। लेकिन इंटरव्यू ईजी इस टाइप पर रहेगा कि वो डिपेंड करेगा, आप फ्रेशर एक एक्सपीरियंस है, फ्रेशर इन सेंस मींस अगर आपने कोई हॉस्पिटल जॉब नहीं किया, डायरेक्ट कॉलेज के बाद पास आउट होने के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब मिली है, तो आप फ्रेशर कैंडिडेट है। तो फ्रेशर कैंडिडेट को ईजी पूछेंगे, जैसे आपके टेबल पर वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, स्पाइनो मैनोमीटर रख सकते हैं, वेरियस फोर्सेप रख सकते हैं, सीजर्स रखते हैं, सीरेंज रख सकते हैं, उनका यूज़ पूछ सकते हैं, उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ओबीजी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जो भी आपने फाइनल ईयर में सब्जेक्ट थे उनके वेटेज के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं, या फिर जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होंगे उनके स्किल्स के बेस पर ही उनसे इंटरव्यू होगा, ईजी रहने वाला है। एंड बात करें सेकेंड कैटेगरी के अंदर उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा जिनका हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं काम कर रहा है, तो जिनको कुछ एक्सपीरियंस है, तो उन कैंडिडेट्स से हॉस्पिटल वर्क से रिलेटेड इंटरव्यू पूछेंगे, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट से रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड, हॉस्पिटल में आप किस तरह से मैनेज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट से पूछ सकते हैं, आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इस कंडीशन में इस टाइप के पेशेंट है तो आप किस तरह से उस कंडीशन से कॉप अप करेंगे, तो जो आपका स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले। ओके फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू ईजी रहेगा और पैनल मेंबर्स भी आपसे ईजी क्वेश्चन ही पूछेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना बेसिक तैयार रखें, फंडामेंटल्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है उनको उन पर कॉन्फिडेंट रखें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा है और आपको सही लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वेरियस काइंड ऑफ जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हम उसकी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल कर देते हैं। एंड हम इस वीडियो पर लाइक का एम रखते हैं 20, प्लीज़ आप 20 लाइक तो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।